ओके जी, सो एवरीवन इज रेडी, सब रेडी जी? हमारा टाइम हो चुका है, वी आर 2 मिनट्स लेट. सो अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन फ्रॉम कुवैत. आज 2 मई 2021 है एंड टुडे इज डे 3. फाइनल थ्योरेटिकल सेशन है हमारा आज. आज हम डिस्कस करेंगे. मोहसिन, अगर कोई आधे से कुछ 40 मिनट्स में आप इसको कंक्लूड कर ले अपने प्रेजेंटेशन को, जी, और फिर 20 मिनट हम इसको रखेंगे क्वेश्चन आंसर को, तो लेट्स स्ट्रिक्टली कीप इट एट 11:30. वी विल ट्राई आवर बेस्ट. आई थिंक टुडेज प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट. एक्शन जो है इंशाल्लाह हम कल से बिगिन करेंगे, बिकॉज़ हमने थ्योरेटिकल पार्ट सबसे पहले कवर करना है. जबरदस्त जी, जबरदस्त. ओके, ओवर टू यू सर, ओवर टू यू. ठीक है, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, प्लीज होल्ड ऑन. ओके जी, काइंडली कंफर्म अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको. जी बिल्कुल आ रही है जी, आप स्क्रीन से ही आ रही है. ऑलराइट, ओके, सो टुडे इज डे 3. वेलकम अबोर्ड एवरीवन. आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इन वेरी शॉर्ट टर्म टर्मिनोलॉजीज. व्हाट इज क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है एंड इसकी कितनी किस्में है, एंड थ्योरेटिकली हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे कि क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, लाइटकॉइन, डैशकॉइन एंड रिपल. प्लीज नोट डाउन, आप अगर नोट्स ले रहे हैं, विच आई वुड प्रेफर कि आप नोट्स भी लें, ये 5 लीडिंग मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं. जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, ग्लोबली जैसे 5 फेमस वेल नोन लीडिंग करेंसीज हैं, जैसे कि अमेरिकन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन. ठीक है, फॉरेक्स करेंसीज जिनमें ग्लोबली डील किया था. इस तरह क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 5 लीडिंग करेंसीज हैं जी, उनमें बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डैशकॉइन और रिपल इंक्लूडेड. सो रिपल इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी, हम उस पर भी बात करेंगे. और फिर आज हम बात करेंगे व्हाट आर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस एंड इट्स टाइप्स, एंड इंशाल्लाह वी विल बी शेयरिंग द लिंक्स टू द ट्रेडिंग एक्सचेंजेस, क्योंकि काफी लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी और हमारे Q&A सेशंस में पूछ रहे थे कि इफ आई कैन शेयर विद देम नेम्स और लिंक्स ऑफ रिलायबल ट्रेडिंग एक्सचेंजेस. सो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पहले हम स्लाइड से रीड कर लेते हैं जी, देन वी विल ट्राई टू, इट्स इन वेरी सिंपल, इट्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इट मेक्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम. A blockchain is essentially a digital ledger of transaction that is duplicated and distributed across the network of computer systems on the blockchain. So basically, blockchain, हमने a couple of times हम इसको cover कर चुके हैं day 1 and day 2 के अंदर. आप just assume करें there is just a block. Each block की capacity होती है जिसमें information record होती है. ये किस तरह की information है? This is an information which is related to debit and credit, or it acts as a ledger. इसके अंदर सारी आउटगोइंग इनगोइंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, और इनको जो प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर माइनिंग टेक्नोलॉजी होती है इन्वॉल्व. हम माइनिंग के डेप्थ में नहीं जाएंगे. सो जो कंप्यूटर माइनर्स हैं, जो डेडिकेटेड माइनर्स होते हैं, और हर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना मखसूस माइनर होता है, वो क्या करते हैं, इस ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही थी उनको वेरीफाई करते हैं, क्या ये ट्रांजेक्शन कम्प्लीट थी, आर दे जेन्युइन और नॉट जेन्युइन. So this is in a nutshell what a blockchain is. So it's a system of recording. ये एक technology है जिसके ऊपर based है. हमने पहले भी बात की थी, जो conventional हमारा money है इसका जो ledger है बिल्कुल private होता है. जो पाकिस्तानी रुपये या अमेरिकन डॉलर्स, dirhams, रियाल हमारी पॉकेट में है, उसका ledger जो है वो state bank and central bank के पास होता है, and it is totally private. और इसके जो drawbacks हैं, it can be, जो conventional money system है ये hack तो नहीं इतना होता, लेकिन इट कैन बी चीटेड. इसमें चीटिंग हो रही थी, जिसमें आप अक्सर देखते होंगे न्यूज के अंदर भी कि फेक मनी जो थे वो गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केट किए, और इट सो पीपल कैन प्ले अराउंड इट. लेकिन ब्लॉकचेन में चूंकि हर ब्लॉक जो है जब नया ब्लॉक प्रोड्यूस होता है वो पिछले ब्लॉक से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करता है, और चूंकि इसका लेजर पब्लिकली अवेलेबल है, माइनर्स के पास भी होता है, तो इसको इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट हैक प्रूफ एंड चीट प्रूफ. इसके अंदर चेंजेस नहीं की जा सकती, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. सो दिस इज व्हाट अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियली इज. इतना जरूरी नहीं है कि आपको पता हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन डेप्थ, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, अगेन इट्स अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज, हाउ टू ट्रेड एंड मेक मनी,
वो इंशाल्लाह कल से हम कवर करेंगे। तो काफ़ी लोग जो डिसकरेज हो रहे थे, डीमोटिवेटेड थे, हु आर टोटली न्यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, देखें इट इज़ अ वेरी फेयर बिजनेस। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है एक वाहिद बिजनेस है जिसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक या स्पेशल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ना इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपके पास MBA हो या आप इंजीनियर हो या एक मेडिकल प्रोफेशनल और इवन अ लीगल प्रोफेशनल। बेसिकली यू विल ओनली नीड क्लास 5 का जो बेसिक मैथ है, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू नीड टू बी सक्सेसफुल इन दिस। तो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन इज। अब ब्लॉकचेन तो हमने बात कर ली, अब क्रिप्टो करेंसी की हमने बात की थी कि हर क्रिप्टो करेंसी होती है इसका एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वॉलेट होता है। जैसे पाकिस्तानी रुपीज जो है एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर सेव किए जाते हैं, ठीक है, और अगर कोई किसी का फॉरेन अकाउंट है तो उनके डॉलर्स डॉलर अकाउंट में सेव किए जाते हैं। डॉलर अकाउंट जो है, जो आपके जो डॉलर्स हैं इफ यू हैव फॉरेन करेंसी, वो आप लोकल करेंसी के बैंक अकाउंट में सेव नहीं कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट इज वैलिड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, ठीक है। अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट इज एन ऐप और अ सिस्टम that allows cryptocurrency users or traders to store and retrieve their digital assets. Cryptocurrencies ko digital assets bhi kaha jata hai. As with conventional currency, you do not need a wallet to spend your cash, but it certainly helps to keep it all in one place. So wallet jo hai ek system hai, ek technology hai, ye aap kahin bhi create kar sakte hain kyunki digital form mein iski physical location bhi hoti hai, lekin ye aapka total discretion hai. Panch kisam ke क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, देयर आर फाइव काइंड ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स। पहला मोबाइल क्रिप्टो वॉलेट होता है, आप एक वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है, एंड यू कैन स्टोर योर क्रिप्टो करेंसीज इन दैट वॉलेट विच विल बी इन योर फोन। एक फेमस एप्लीकेशन है जी ट्रस्ट वॉलेट, वी विल गो इन टू इट इन फ्यूचर सेशन। सेकेंड जी डेस्कटॉप वॉलेट भी होता है, यू कैन डाउनलोड ईदर अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सॉफ्टवेयर and you can store these in your computer. Teesra hai paper wallet. Paper wallet is simple, simply it's just based on paper. Har cryptocurrency jo hoti hai uski private keys hoti hain. Private keys se murad password ya passcode which is used by a trader or cryptocurrency store karne wale person. Se you use that keys to access your wallet to make transaction. आप एक्सेस यहाँ तो चेक कर सकते हैं बैलेंस एक्सेस अगर क्रिप्टो करेंसी को करेंगे अपने वॉलेट को, उसके तीन ही मकसद होंगे, ईदर यू वॉन्ट टू चेक योर करंट बैलेंस या इस वक्त जो करंट क्रिप्टो करेंसी आपके अवेलेबल हैं, ठीक है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, और इफ यू वॉन्ट टू विदड्रॉ और डिपॉजिट। सो पेपर वॉलेट के अंदर यूजली क्या होता है कि इसकी जो कीज होती है प्राइवेट कीज, यू जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, लेकिन ये एक रिस्की मेथड है पेपर वॉलेट क्रिएट करना, क्योंकि इफ यू लूज द पेपर यू कैन लूज ऑल ऑफ योर क्रिप्टो करेंसीज का बैकअप नहीं होता। चौथा है जी आपका हार्डवेयर। आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकेंगे, यहाँ पे डिफरेंट हार्डवेयर अवेलेबल हैं, ओके, दीज आर फिजिकल वॉलेट्स। अब दीज आर डेडिकेटेड फॉर क्रिप्टो करेंसीज, जो स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज के सेपरेट भी होते हैं, और कई फिजिकल वॉलेट्स ऐसे हैं जो मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज की स्टोरेज को भी सपोर्ट करते हैं। सो दीज आर द फिजिकल लेजर्स, ठीक है। फिफ्थ इज ऑनलाइन वॉलेट्स। ऑनलाइन वॉलेट्स इज समथिंग दैट आई प्रेफर। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, एंड टुडे आई विल एक्सेस वन ऑफ माई डमी वॉलेट्स एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ऑलराइट, सो दीज आर फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू इन डेप्थ। ये जी क्रिप्टो करेंसीज क्या है, अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली थी कि क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग मोर देन इट्स अ डिजिटल करेंसी, इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट पुट इट इन योर पॉकेट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और कैश, और दे आर ओनली ट्रेडेड ऑनलाइन। सो बिटकॉइन का थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जी। बिटकॉइन जो है एक मेन लीडिंग, जैसे अमेरिकन डॉलर ग्लोबली एक लीडिंग करेंसी है, इस तरह क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में बिटकॉइन एक लीडिंग डिजिटल करेंसी है। दैट वॉज क्रिएटेड इन 2009। सो 2009 में जी बिटकॉइन लॉन्च किया गया। इट फॉलोज द आइडिया सेट आउट इन ए वाइट पेपर बाय मिस्टीरियस एंड सुडोनिमस सतोशी नाकामोटो। अब इसके ऊपर काफी इख्तलाफ है, इसको जिसने क्रिएट किया है, क्योंकि ये ग्लोबली जो क्रिप्टो करेंसीज का, जैसे हमने कल बात की थी
कि क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया ही एक ऐसा मॉनिटरी सिस्टम है जिसके अंदर बैलेंस ऑफ वेल्थ ऑफर हो रहा है, यू नो, क्योंकि करंट मॉनिटरी सिस्टम है इसके अंदर आपने अगर वेल्थ क्रिएट करनी है यू नीड लॉट ऑफ फंड्स, इट्स द एज ऑफ कैपिटलिज्म। आप एज ऑफ कैपिटलिज्म पे बेशक सर्च कर लीजिएगा, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर कीप ऑन गेटिंग पुअरर, ये एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है एज ऑफ कैपिटलिज्म का। सो इन द एज ऑफ कैपिटलिज्म ओनली रिच कैन पार्टिसिपेट इन बिकमिंग वेल्थी फर्दर। स्टॉक्स बाय करने के लिए आपको एक लार्ज अमाउंट चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट चाहिए, रियल एस्टेट के अंदर लार्ज अमाउंट चाहिए, राइट। सो क्रिप्टो करेंसीज जिस बंदे ने इन्वेंट की या इसको क्रिएट किया, ही वॉज वेरी अनोनिमस बिकॉज now cryptocurrency is offering wealth creation opportunities to people of any level, it is a very fair system. The identity of the person created the technology is still mystery, clear nahi hai. Bitcoin offers the promise of lower transaction fees, this is one of the benefits of the Bitcoin cryptocurrency. Humne discuss kiya several times, when we transfer funds from one bank to another bank to sell our products and services और टू सपोर्ट अवर फैमिली मेंटेनेंस चार्जेस हम भेजते हैं, तो जनरली जो प्रैक्टिस है नॉर्मल अमाउंट की वो $30 to $50 बैंक वायर ट्रांसफर लगती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में द ट्रांजेक्शन फीस आर वेरी लो देन ट्रेडिशनल ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिजम्स, एंड अनलाइक गवर्नमेंट इशूड करेंसीज इट इज ऑपरेटेड बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से मुराद है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि इनके लेजर्स जो हैं ब्लॉकचेन पे इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो दिस इज इन अ नटशेल व्हाट अ बिटकॉइन एग्जैक्टली इज, ठीक है। सो बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी, देयर आर नो फिजिकल बिटकॉइंस, कोई फिजिकल बिटकॉइंस नहीं है। एक चीज से जो लोग नए हैं ना वो इस चीज से याद किया करेगा कि आजकल कई लोग सोविनियर्स हैं कुछ बिटकॉइंस के, कॉइन्स अवेलेबल है फिजिकल फॉर्म में लेकिन ओरिजिनल बिटकॉइन इज जस्ट अ सोविनियर, इट्स जस्ट अ डेकोरेशन पीस। तो कई लोग जो हैं इन फिजिकल कॉइन्स को जो बिटकॉइन्स नहीं है उनके ऊपर लोगो बना हुआ है और वो लोगों को बेच के $50,000 का बेच रहे हैं, $30,000 का बेच रहे हैं कम में, दे आर जस्ट फूलिंग पीपल विद दैट। सो प्लीज बी केयरफुल, ऐसी चीजों में नहीं आना क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल टोटली डिजिटल है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। सो नो फिजिकल बिटकॉइन्स, ओनली बैलेंस इज केप्ट ऑन अ पब्लिक लेजर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी दैट एवरीवन हैज ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू। All Bitcoin transactions are verified by a massive amount of computing power. ठीक है, इसको हम हैश पावर भी बोलते हैं और इन कंप्यूटर्स को जो स्पेसिफिकली डेलीगेटेड है बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए उनको माइनिंग माइनर्स भी बोलते हैं। बिटकॉइन्स आर नॉट इशूड और बैक्ड बाय एनी बैंक्स और गवर्नमेंट्स। बिटकॉइन्स जो है कोई गवर्नमेंट एंटिटी और रेगुलेटेड एंटिटी प्रोड्यूस और क्रिएट नहीं करती, ना ही बैंक्स करते ना ही गवर्नमेंट। Nor are individual bitcoins valuable as commodity. Inki as a commodity jo hai value nahi hai. Despite it is not being legal tender, Bitcoin is very popular and has triggered the launch of hundreds of other cryptocurrencies, collectively referred to as altcoins. Bitcoin is commonly abbreviated as BTC. Agar altcoins aapne, if you don't know what's the definition of altcoin, altcoins are nothing. Any digital currency that is not a Bitcoin is called altcoin. आप कल की वीडियो और कल के पावर पॉइंट पे रेफर कर सकते हैं व्हाट इज एन अल्टकॉइन एग्जैक्टली। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट बिटकॉइन एग्जैक्टली इज। सो नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज जी। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी, ए टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी व्हिच अलाउज फॉर डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस टू टेक प्लेस ऑनलाइन सिक्योरली विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडियरी। अगर मेरे पास बिटकॉइन वॉलेट के अंदर है और आप मुझे अपना वॉलेट एड्रेस देते हैं, मोस्टली सब क्रिप्टो करेंसीज का एक अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू मैं अपने क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर कर सकता हूं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज दैट्स व्हाई द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर जो है इट इज वेरी लो एंड वेरी नेग्लिजिबल। सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी जो होती है, अ सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूज्ड टू बाय एंड सेल डिजिटल एसेट्स, लेकिन You have to trust a third party, कोई third party intermediary जो आपकी transactions को monitor कर रहा होगा and secure the assets on behalf of the buyer and the seller. एक चीज याद रखिएगा कि centralized cryptocurrency काफी pre-mined भी होती हैं, all right?
Now, I'm not a fan of centralized cryptocurrency, but कुछ centralized cryptocurrencies बड़ी अच्छी हैं. उनमें जो है रिपल भी आता है जिसका सिंबल XRP है, और स्टेलर लुमेंस XLM, एंड दिस इज अ वेरी गुड मनी मेकर. अगर आप प्लीज नोट्स ले रहे हैं तो ये नाम लिख लें, XLM, स्टेलर लुमेंस. इट इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग एंड इट्स वेरी स्टेबल. ओके, व्हाट इज इथेरियम? ये एक सेकंड लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है. इथेरियम इज ऑल्सो नोन एज ईथर, इसे ईथर भी कहा जाता है. इथेरियम इज डिसेंट्रलाइज्ड. इथेरियम जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है. नो वन कैन इवन कंट्रोल इट. ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द अपकमिंग सेंटेंसेस. Ether is the native cryptocurrency of the platform. It is the second largest cryptocurrency by market capitalization after Bitcoin. Market capitalization मतलब इसकी जो quantity है वो Bitcoin से भी ज्यादा है. Okay? Ethereum is the most actively used blockchain. Now, what is a smart contract? A smart contract is a computer program or a transaction protocol which is intended to automatically execute, control, or document legally relevant events and action to terms of contract agreement. Ab ye thoda technical definition hai, so to make it in a simple and easy words, smart contract ji electronic contract hota hai kyunki blockchain ke andar already record hai. For example, farz kar lein ki humne to make it, I'm trying to make it more as simple as I can, humne ek cheez pe agree kiye, ek term pe humne agree kiye ki humne ek specific transaction karni hai, या हमने कोई वी वांट टू बाय एनी एसेट. ठीक है, अब इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, वो हम इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग ऑन अ पेपर देख वी कैन कन्वर्ट इनटू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो फिक्स हो जाती हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन. तो फ्यूचर में इसमें क्या है कि कोई भी बायर या सेलर इसको मैनिपुलेट और मॉडिफाई नहीं कर सकता because it is already now available publicly on the ledger. So we will iski maine ek sample example bhi future slides mein rakhe, we'll even discuss that. This is how a smart contract works. Theek hai ji, dekhiye Bob, ye left hai ji, Bob hai ji. Bob wants to sell his house. Theek hai, ab because he wants to sell his house, jo system hai ethereum ka, jo ecosystem hai, jo ethereum ki technology hai, usme already ye डेटा इनपुट कर दिया जाता है. नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल डू, इट विल हंट फॉर ए बायर. ठीक है, इधर एक बायर लोकेट होता है, जॉन वांट्स टू बाय द हाउस. ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज हेल्पिंग इन क्रिएटिंग अ मैच अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया बॉब ने सेट किया. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसीव एसेट्स. ठीक है, देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स एसेट. जब दोनों पार्टीज क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं और दोनों पार्टीज एग्री होती हैं, क्राइटेरिया मीट करता है, उसी वक्त जो ऑटोमेटिक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एसेट्स की डिलीवरी हो जाती है. इसका बेनिफिट क्या है जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये आपका जो सिस्टम है मैनुअल सिस्टम है उसको टोटली ऑटोमेट कर देता है, और क्लियरेंस इसमें अवेलेबल और सेटलमेंट भी उसी वक्त फौरन हो जाती है. एंड ऑफकोर्स इन दिस डिजिटल करेंसीज आर यूज. सो आप यहाँ पे नेक्स्ट दे सकते हैं जी, undisputed ownership ho jati hai and the land deed is digitalized. So this is just an idea of smart contract. Again, we don't have to specialize in what ethereum and smart contract technology is. Humne isko trade karna hai aur isse paise banane hai, to abhi lekin fir bhi thoda basic idea sabko hona chahiye. Now let's go to litecoin. Litecoin is a form of digital currency. Ye bhi ek third leading or dominant cryptocurrency hai that uses blockchain to maintain public ledger. Sub blockchain based cryptocurrency unki definitions mainly kafi same hogi kyunki sabke andar jo hai public ledger involved hai. It is used to transfer funds between individuals or businesses without the need of intermediary such as a bank or payment processing service. There is something called PSP, payment service providers. Usually aap jo websites pe jate hain aur ye jo PSP hai ये ऑफर किए जाते हैं मेनली फ्रॉम द बैंक्स. इसमें क्या होता है कि वेबसाइट पे आप इंटीग्रेट कर देते हैं पीएसपी सिस्टम जो आपके कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है. अब पीएसपी सर्विस नाउ इट कॉस्ट और बैंक उसमें
कुछ अपना मार्कअप भी रखते हैं। जैसे ही आप कोई वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, परचेजेस करते हैं, पीएसपी सिस्टम के थ्रू आप अपना बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं, देन द अदर काउंटर पार्टी इज क्रेडिटेड, आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है, राइट। इसी तरह लाइट कॉइन के भी पीएसपी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में होती हैं, दे आर नॉट डन इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स और फियाट मनी। ओके, सो देयर इज नो नीड, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल है, सो विदाउट द नीड फॉर एन इंटरमीडियरी सच एज अ बैंक और पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस। बोथ बिटकॉइन एंड लाइट कॉइन आर क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन वॉज ओरिजिनेटेड इन 2009, ठीक है, 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, लेकिन द डोमिनेंट, इट्स अ डोमिनेंट ब्रांड। लाइटकॉइन फाउंडेड 2 years लेटर, व्हिच वाज अराउंड 2011। इट इज इट्स लीडिंग कंपेटिटर। लाइटकॉइन बजाते खुद जो है एक बहुत स्ट्रांग कंपेटिटर है बिटकॉइन के मुकाबले में। एज ऑफ मार्च 2021 बिटकॉइन मार्केट कैप इज $1 trillion। इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 1 trillion मार्केट कैप है बिटकॉइंस का, व्हाइल लाइटकॉइन इज 13.7 billion। तो लाइटकॉइन भी पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन लाइटकॉइन की जो नेटवर्क स्पीड है, ट्रांजैक्शन स्पीड है, इट इज वेरी फास्टर। अब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड थोड़ी इसलिए स्लो होती जा रही है क्योंकि चूंकि ब्लॉक्स और डेटा बढ़ता जा रहा है, यू नो, इट एड्स अ काइंड ऑफ अ लोड ऑन द नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो लाइटकॉइन इज ऑल्सो डूइंग गुड। Both of each cryptocurrency has its own disadvantages and advantages. Okay, Litecoin can produce greater number of coins than Bitcoin. जब माइनिंग जो माइनर्स जब माइन करते हैं वो एक प्रॉब्लम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आप माइनर का प्रोसेसर होगा, मशीन होगी जितनी स्ट्रॉन्ग, उतने तेजी से जो है कॉइन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन इनके हर कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफिकल्टी लेवल। जितने ही ज्यादा कॉइन्स माइन होंगे, ठीक है, और जितने कम कॉइन्स रह जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा हो जाएगा, राइट। लेकिन चूंकि बिटकॉइन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, लाइट कॉइन जो है इट इज स्टिल बिकॉज इट्स जस्ट 13, इसकी जो सर्कुलेशन है मार्केट कैप इट्स ओनली अबाउट 13 billion। तो लाइट कॉइन की जो माइनिंग है इट डज produce a greater number of coins in very fast speed. So, but these factors are largely psychological boons for the investors and don't impact the value of usability of the currency. Beshak agar easily produce ho jate hain, iska matlab ye nahi ki iski usability bhi zyada badh jati hai. Litecoin was launched in 2011 by a former Google engineer Charlie Lee, who announced the debut of the light version of Bitcoin via posted message on a popular Bitcoin forum. अब काफी लोग जो question कर रहे थे हम fundamental analysis कैसे करें, we discussed with them कि fundamental analysis के अंदर आपने उस cryptocurrency का white paper पढ़ना होता है। White paper जी, it is like a project charter, it's a road map कि ये जो currency है इसके founders कौन है, इसके goals क्या है, what is it trying to accomplish, what is the problem that a cryptocurrency is trying to solve. लेकिन एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी की एक खास पॉइंट ये भी होता है कि अच्छी क्रिप्टो करेंसी के वाइट पेपर में, कि उनमें से जो एक डेवलपर है ना, एक सुपरस्टार हो, ही विल बी वेल नोन। जैसे एक रिसेंटली कॉइन लॉन्च हुआ है KNS करके, उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट टीम में जो है वन ऑफ द फाउंडर्स इज विटेलिन ब्यूरिक, जो फाउंडर है इथेरियम का। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एडिशनल टिप। तो यहाँ पे आई हैव मेंशनड हियर this guy is a superstar. He's one of the engineers from Google. Charlie Lee is one of the co-founders and developers of Litecoin. Okay. From its founding, Litecoin was seen as being created in reaction to Bitcoin. अब जाहरी बात है जब Bitcoin ने globally markets को dominate करना शुरू कर दिया तो competitors तो आने थे. So ये competition में create की गई technology. Litecoin own developers have long stated that their intention is to create silver to Bitcoin's gold. Bitcoin ko chunke log digital gold consider karte hain, so agar isko log gold consider kar rahe hain, so this guy he won't had a vision, why not create a digital silver. So he abhi inka personal opinion hai, ab zaruri nahi ki Litecoin ek silver hai, but this is their own personal opinion. But you know wo kehte hain, he who has the money has the right to opinion. Abhinav ne first step liya and they did very well.
So they call it silver. So crowd is also calling it silver. All right. So for this reason, Litecoin adopts many of the features of Bitcoin that Lee and other developers felt were working well for earlier cryptocurrency, and changes some other aspects that development team felt could be improved. This is again just for knowledge purposes only. Next, जी आपका आता है after the fourth digital currency, leading cryptocurrency is Dashcoin. Dashcoin एक बड़ा जबरदस्त coin है क्योंकि इसकी ये भी operate करता है जी Bitcoin की तरह, लेकिन इसमें एक privacy factor भी included है. आप जो transactions करते हैं वो shielded होती हैं, यहाँ तक कि आपकी काफी हद तक जो not only shielded, verify करना भी आपकी transactions को मुश्किल है. Dash now aims to become a medium for daily transaction as a digital currency that can be used as cash. So, Dash coin ke saath cash factor bhi attached hai. So, credit card or via PayPal. Dash is an open source project which includes a decentralized payment network. Again, ye bhi decentralized network hai Dash coin ka. Iska symbol bhi Dash hi hai. DASH. Jaise Ripple ka XRP hai. Dash का सिंबल भी DASH है. In April 2021, Dash is the world's 47th most valuable cryptocurrency by market capitalization of 2.7 billion. कल हमने बात की थी जी कि जो लोग लो रिस्क ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, एंड व्हेन दे आर ट्रेडिंग क्रिप्टोकरेंसीज, दे वांट टू इंश्योर कि अगर मार्केट में कोई हरिकेन भी आए या तूफान आए क्रिप्टोकरेंसीज की दुनिया में, दे वांट टू हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन. तो वो उन क्रिप्टो करेंसीज को कंसिडर करें, उन चीज़ों का अहमियत दें जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हों, वेल नोन डेवलपर्स ने क्रिएट किया, और उनका जो मार्केट कैपिटल है 2 बिलियन से ज्यादा का. सो हियर यू कैन इवन सी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डैश इज ओवर 2.7 बिलियन डॉलर्स. रिपल, नाउ लेट्स गो टू द रिपल. रिपल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग करेंसी. ये कुछ सेंट से स्टार्ट हुई और कुछ डॉलर्स में, इस वक्त नाउ इट्स मोर देन अ डॉलर. रिपल इज अ नेटिव क्रिप्टोकरेंसी फॉर प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय रिपल लैब्स. इनको प्रोड्यूस करने वाले रिपल लैब्स हैं. इट्स प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर पेमेंट सेटलमेंट, एसेट एक्सचेंज एंड रेमिटेंस सिस्टम्स दैट वर्क मोर लाइक स्विफ्ट. स्विफ्ट अ सर्विस फॉर इंटरनेशनल मनी एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर यूज्ड बाय नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. इस वक्त जो रिपल भी है कुवैत में, हमारे यहाँ पे है कुवैत फाइनेंस हाउस बैंक, वो भी वेलकम कर रहे हैं रिपल की ट्रांजेक्शन को. सो रिपल इज वन ऑफ लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिप्टोकरेंसी व्हिच इज फ्रेंडली विद बैंक्स. जो रिपल की टेक्नोलॉजी, इट डजंट थ्रेट बैंक्स मच. सिमिलरली हमने स्टेलर बात की थी. स्टेलर टॉप फाइव में तो लीडिंग फाइव क्रिप्टोकरेंसी में तो नहीं है, बट इट्स एन अमेजिंग क्रिप्टोकरेंसी दैट इज. स्टेलर हैज ऑल्सो फीचर्स ऑफ रिपल एंड इट इज ऑल्सो बैंकिंग फ्रेंडली. ऑलराइट, सो अब हमने क्रिप्टो मेन क्रिप्टोकरेंसीज को कवर कर लिए, इनकी डेफिनेशंस, इनका छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. अगेन दिस इज दीज आर ट्रेडिंग सेशंस, दिस इज अ ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम. वी आर नॉट हियर टू बिल्ड अ क्रिप्टोकरेंसी और अ ब्लॉकचेन, लेकिन हमने थोड़ा सा छोटा सा टच दिए. आपको इतना ज्यादा टेक्निकल्स इनके समझने की जरूरत नहीं, बट यस ऑफ कोर्स ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज की टेक्निक्स को समझना जरूरी होगा. Now let's go to exchanges. What are trading exchanges and its type? ठीक है, दो किस्म के एक्सचेंज होते हैं. Okay, now दो किस्म के एक्सचेंज cryptocurrency के वर्ल्ड में होते हैं. All right, it's not applicable to the world of stocks or forex. Right, so there are two kind of exchanges: centralized exchange and decentralized exchanges. Centralized exchanges के अंदर जी you have the centralized cryptocurrency exchanges are online platforms used to buy and sell cryptocurrencies. They are the most common means that investors use to buy and sell cryptocurrency holdings. So usually kya hota hai ki centralized cryptocurrency exchange ke andar na aapke jo coins bhi hote hain aap transactions kar rahe hain wo exchange ke andar hi available hote hain, but usme koi restriction nahi thi, you can always withdraw your cryptocurrency, there's not an issue. Decentralized exchange, this is something really nice. They are also called a DEX. So usually baatein karte, yani it's a slang word or it's a common terminology used between cryptocurrency traders. Ki aapne kaun se aapka account kaun se DEX mein is waqt available. So let's go to definition.
decentralized exchange is a peer to peer marketplace. सेंट्रल एक्सचेंज के अंदर जो है एक्सचेंज ही कोट कर रहा था सारी प्राइसेस, एक्सचेंज के अंदर ही सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जो है एक्सचेंज की भी ट्रांजेक्शन होती हैं, एक्सचेंज भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन भी होती हैं, पीपल कैन सेल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ओके, सो देयर इट हैज अ पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट्स क्रिप्टो. एक स्लैंग एग्जांपल ऐसे मैं बताता हूँ जी, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आप जब सामान खरीदते हैं वो आप खरीदते हैं दुकानों से, दुकानों के पास जी एक लाइसेंस होता है गवर्नमेंट से इशू किया गया, ठीक है, आप यू कैन बाय फ्रॉम देम, लेकिन एट द सेम टाइम दुकान के बाहर एक ऐसा बंदा भी होता है जिसने जमीन पर सिर्फ चादर बिछाई होती है, ठीक है, एंड दुकानदार भी कभी माइंड नहीं करता कि ये भी ट्रांजेक्शन, ये भी कुछ कमा ले. तो पीयर टू पीयर से मराद यही चीज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी ट्रांजेक्शन्स कमिट वो कर सकते हैं कैरी ऑन, एंड दे जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इट डजंट माइंड अकोमोडेटिंग पी टू पी ट्रांजेक्शन्स. तो आई होप पी टू पी का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज पी टू पी इन द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज. इन कंट्रास्ट टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स आर नॉन कस्टोडियल, meaning a user remains in control of their private keys when transacting on DEX platform. अब आपके जब आप centralized exchange पे trade करते हैं, उसके अंदर already integrated crypto wallet होता है, जिसकी private keys की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि already वो exchange को belong करता है, लेकिन हर user, हर individual trader का एक delegated या dedicated wallet होगा, लेकिन decentralized के अंदर exchange जो है वो interfere नहीं करता. You have the full right to keep the keys with you, and they have no control or access to your wallets. Okay. Centralized exchanges. आपने screenshot लेनी है, आप screenshot ले लें. अगर आपने लिखना है, तो आप लिख लें. But all of these are very good. ठीक है जी. First one leading. खासतौर पे वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं. Binance is a well-known centralized exchange. Binance.com. वो लोग I think जो हमारे फेलोज पाकिस्तानी फेलोज इस वक्त रह रहे हैं यूएसए में या कनाडा में, आप यूज करेंगे लिंक binance.us. रेगुलेटरी रीजंस की वजह से जो लोकल वहां पे ज्यूरिस्डिक्शन है वो अलाउ नहीं करती, तो बाइनेंस ने अल्टरनेट वेब लिंक दी जी binance.us. ठीक है. सेकंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज इज KuCoin, KUCOIN. KuCoin इज एन अमेजिंग एक्सचेंज, बड़ा इजी प्लेटफॉर्म है इनका, एडवांस चार्टिंग भी अवेलेबल है. तीसरा इज Coinbase एक्सचेंज भी है खुद, बट इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. यहाँ पे आपको यू आर ऑल्सो एबल टू मेक योर ओन क्रिप्टो वॉलेट्स. चौथा जी FTC एक्सचेंज. फिफ्थ इज Bitstamp. छठा है जी Bitfinex. सातवां है Kraken. ये लास्ट थ्री भी बहुत ही अच्छे and they're very nice crypto trading platforms. You can try, lekin aap Google pe khud verify kar lijiyega, kyunki I think temporary Pakistan ne by mistake accidentally for some reason Bitfinex or Bitstamp jo thi ban kar di thi, to uska alternate solution to ye hota hai ki aap VPN use kar le. You can use VPN to access this website, lekin before you open a trading account Binance mein to aapko fikr karne ki zarurat nahi hai. आप अगर Bitfinex, Bitstamp और Kraken पे एक VIP exchanges हैं, इनके ऊपर अकाउंट खोलने से पहले आप देख लें इनके अबाउट अस रेगुलेशंस के ऊपर कि इफ रेजिडेंट्स हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, हु आर बेस्ड इन पाकिस्तान, हु आर ओरिजिनल इन पाकिस्तान, आर दे अलाउड टू ओपन अकाउंट और नो. आई एम 90% श्योर यू आर, बट रूल्स जो है रेगुलेटरी रूल्स हर महीने चेंज होते रहते हैं कंप्लायंस की तरफ से. ओके, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस. डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, the first two are very important, it's good to have some familiarity with them. Pehla hai ji uniswap is one of the leading decentralized exchanges. Second is PancakeSwap. Please, PancakeSwap jo hai ye naam hai, it has nothing to do with pancake. Okay, na hi ye koi bakery hai, it's a cryptocurrency exchange. Third one is Oneinch exchange. Fourth is AurSwap, AUR. Fifth is SushiSwap. Again, it has nothing to do with Japanese food. Sixth is MDEX. Seventh is BurgerSwap. मुझे नहीं पता इस तरह के नाम क्यों चूज किए हैं, but that's how these are. And these are reliable and credible. अब ये मेरा ओपिनियन है, मैं इनको रिलायबल क्रेडिबल करूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने और हम यूज किया और फैमिली ने.
एक्सक्यूज मी, ऑलराइट, बट यू हैव टू डू योर ड्यू डिलीजेंस. आपको खुद भी रिव्यूज चेक करने पड़ेंगे. आप अपनी प्लीज ड्यू डिलीजेंस कीजिएगा, अपनी रिसर्च कीजिएगा ऑन दीज एक्सचेंजेस. सो टूडेज सेशन इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वन. जैसे मैंने बात की थी, हमने थ्योरेटिकल सेशन, थ्योरेटिकल फेज को कवर करना था. लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो अ रियल एक्शन बिगिंस. हमने बेसिक्स एबीसीज कवर कर ली क्रिप्टो करेंसी की. एंड लेट्स हैव सम क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच मोहसिन. आप प्रेजेंटेशन को जरा साइड पे कर दें ताकि मेरे सामने सारे लोग आ जाएं. और जिन्होंने जी हाथ खड़े किए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, जरा हैंड रेज करें काइंडली. मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे आपके हैंड रेज? सेवन पीपल रेज्ड हैंड, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? इलेवन पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड. लेकिन मेरे पास ऐसा करता हूं कि इन पाकिस्तान विच एक्सचेंजेस विच इज बेस्ट इन पाकिस्तान, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट? मोहम्मद जिशान का क्वेश्चन है जी. आप जरा मोहसिन आप बताएं कि विच इज बेस्ट इन पाकिस्तान, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट? अच्छा जी, देखें पाकिस्तान में क्या ग्लोबली डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड दोनों बेस्ट हैं. अब जो अच्छा जो रियल क्वेश्चन है वो है जी, कौन सा एक्सचेंज पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेगा, डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड? दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है. लेकिन अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सेंट्रलाइज्ड, आई वुड रिकमेंड बाइनेंस, क्योंकि उसमें अफोर्डेबल ट्रांजेक्शन है. $10 की भी ट्रांजेक्शन की जा सकती है बाइनेंस के अंदर, ठीक है. और वॉलेट्स के लिए आई विल शेयर अ लिंक, आई थिंक आई कैन राइट इन द चैट बॉक्स, राइट? मैं ऐसे एक लिंक लिख देता हूँ, हम इसको इंशाल्लाह कल भी कवर करेंगे. coinpayments.net. This is a very nice website to store your cryptocurrency wallets, and I will show my crypto, my wallet also soon. Okay. Saad Ahmed और Ali Alamdar. Ali Alamdar, kindly सवाल पूछिए आप. Assalam Alaikum sir. जी वाले अस्सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी डेवलपर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के, वो कैसे अर्न करते हैं क्रिप्टो बनाने में? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो तो एक्सचेंज को जाती है आई थिंक. तो व्हाट इज देयर पर्पस ऑफ मेकिंग क्रिप्टोकरेंसी सॉफ्टवेयर एंड व्हाटएवर? ओके जी, दिस इज एन आईटी रिलेटेड क्वेश्चन, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दिस फॉर यू. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलपमेंट टीम होती है ना, उसमें से उनके लिए इंसेंटिव्स होते हैं. वंस द क्रिप्टोकरेंसी इज फॉर्मड, ब्लॉकचेन पे लॉन्च होती है, कुछ क्वांटिटी जो इनिशियल क्वांटिटी होती है, क्योंकि माइनिंग शुरू में ईजी होती है, तो कुछ क्वांटिटी वो खुद प्रोड्यूस करके सेव कर लेते हैं. लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. लेट मी टेल समथिंग टू यू. प्लीज इस चीज को नोट कीजिएगा कि जब आप व्हाइट पेपर किसी करेंसी का पढ़ते हैं, अगर 50% से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है डिवेलपर्स होल्ड रखते हैं, तो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें फिर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट एथिकल टू होल्ड मोर देन 50% ऑफ द क्रिप्टोकरेंसी कॉइन्स. सो आपने पूछा कैसे अर्न करते हैं, ये मल्टीपल तरीकों से अर्न करते हैं. पहली चीज, इनको सस्ते में इनिशियल फेज में इनको कॉइन्स मिल जाते हैं, दे हैव इंसेंटिव सिस्टम फॉर देमसेल्फ, ठीक है. सेकेंडली, जब ये कॉइन का प्रोजेक्ट करते हैं, ये अपनी जेब से पैसे नहीं डालते, ये ICOs क्रिएट करते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये फंड रेजिंग करते हैं, दे टेक फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स और इसी फंड से अपनी सैलरीज निकालते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू डू. थर्ड, चूंकि इनको सस्ते में कॉइन्स मिले थे, दे होल्ड इट एंड दे इवन ट्रेडेड देमसेल्व्स और दे हैव देयर ओन पर्सनल ट्रेडर्स टू मेक मनी फॉर देम. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी, थैंक यू वेरी मच. जी सर एक कॉइन आया था कुछ टाइम पहले, वन कॉइन, जिसमें उन्होंने व्हाइट पेपर भी इशू किया था और उनकी जो ऑनर थी वो भी काफी फेमस थी, तो सबने उन पे ट्रस्ट भी किया था. तो उसके बारे में काइंडली गाइड कर दें कि वो फेक था, जेन्युइन था, क्योंकि अभी तक उस वो एक्सचेंज पे नहीं आया.
यूजुअली यूजुअली फेक कॉइन्स की यही इलामत है कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के मेथड से प्रमोट की जाती हैं। बड़े बड़े इवेंट्स, एग्जैजरेटेड इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं। द लेडी वॉज फ्रॉम बल्गेरिया, शी डिसअपीयर्ड विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो वन कॉइन वॉज ए फेक प्रोजेक्ट। उन्होंने जब इसको सेल भी किया, दे सोल्ड इट एज एन एजुकेशनल पैकेज, और लीगली जो है आप उनको एक्यूज भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त भी जो है ट्रेंड चल रहा है आपका पाई का एंड बी कॉइन का। तो प्लीज एनीथिंग दैट इज एग्जैजरेटली प्रमोटेड, व्हाइट पेपर क्लियर ना हो और मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू। बाय द वे, एमएलएम सारा एक्चुअली इट्स नॉट अ स्कैम सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम सिस्टम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको स्कैमिंग के लिए ही यूज किया जा रहा है। इट्स अ गुड वे ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नाउ, बट क्रिप्टो करेंसीज में इस वक्त जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग के थ्रू करेंसीज प्रमोट हो रही है, दे आर यूजुअली फेक। इंशाल्लाह हम लोग जब ट्रेड करेंगे, वी विल चूज जस्ट स्पेसिफिक कॉइन्स एंड ट्रेड एंड मेक मनी ऑन देम, सो वी विल कवर दैट इन फ्यूचर इंशाल्लाह। जी, थैंक यू थैंक यू। साहिल राणा का क्वेश्चन है जी, व्हाट अबाउट डॉजी कॉइन? ये डॉगी कॉइन है, डॉजी कॉइन है, क्या चीज है ये? मैं इलन मस्क के भी इंटरव्यूज देखे थे कुछ, जो यूजुअली वेस्ट में इसको हर कोई अपनी मर्जी से प्रोनाउंस कर रहा है जी, इसकी कोई ओके एक्यूरेट प्रोनाउंस नहीं है। लेकिन जो यूजुअली जो है ना इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इफ आई एम करेक्ट, ऐसे वर्ड्स के अगर आगे जी के आगे कोई वावल आए ना, ठीक है, ए आई ओ यू, तो यार दे आर प्रोनाउंस सॉफर, तो उसको डॉजी कॉइन भी कह सकते हैं और डॉज कॉइन भी कह सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि इसकी वो जो लोगो है ना वो कुत्ते का निशान है, तो इसको पढ़ लिया जाए डॉगी कॉइन पढ़ लिया जाए तो वो भी कोई बोलेगा, नॉट एन क्योंकि इनका वो इश्यू, निशान, एनीवे व्हाट एवर, जो भी कुत्ता ठीक कॉइन है है इसको इसको मेरे डॉगी कॉइन की जो मैंने, अगर आप देखें, आप लोग डॉगी कॉइन के व्हाइट पेपर को स्टडी करें, वैसे ही जस्ट टू हैव सम आइडिया, इसकी कोई स्पेसिफिक यूटिलिटी नहीं है। ये ऐसे मजाक में, कुछ डेवलपर्स के पास हुनर था कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने मजाक में इसको क्रिएट किया। इसकी स्पेशल यूटिलिटी कोई नहीं है, ना ही ये कहीं यूज हो रहा है। लेकिन चूंकि एक टेक्निक, जब कोई चीज सस्ते से सस्ते तरीन हो जाए ट्रेडिंग के वर्ल्ड में, तो उसके अंदर फंड्स जब इंजेक्ट करते हैं, जितने ज्यादा बायर्स होंगे ना, चीज पंप होती है। तो इसमें पंप साइकिल चल रहा है डॉजी कॉइन के अंदर। तो केयरफुली ट्रेड करें, जेन्युइन करेंसी है विद नो यूज, जैसे वो कहते हैं ना खोटा सिक्का, सिक्का तो होता है बेशक खोटा हो, तो दैट्स द काइंड ऑफ जी? करेंसी इट डज, इट्स जस्ट फॉर हैविंग फन, बट आई वुडंट रिकमेंड इट। अगर आपने प्राइमरी ट्रेडिंग करनी है, दिस विल नेवर बी योर प्राइमरी कॉइन इन माय ओपिनियन। ओके, मैं जरा मेरिट पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। मेरे सामने जो स्क्रीन पे 1, 2, 3 आ रहा है, मैं उसी को ले रहा हूँ। साथ आपको मैंने बोला था कि आप अपने आप को अनम्यूट करें, बट बाय दैट टाइम यू अनम्यूट योरसेल्फ। अहमद आप बोलें काइंडली। अहमद का क्वेश्चन लेते हैं जी। वेलकम जी अहमद, अहमद आवाज आ रही है? नहीं अहमद को छोड़ें, आप साद आप क्वेश्चन पूछें कल। हेलो हेलो जी अहमद, आप सवाल पूछें। हेलो, आपको क्यों मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल, सवाल पूछें सर। साथ आपका नेटवर्क का इशू, हेलो आप छोड़ दें, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं बस। साथ आप सवाल पूछें आवाज आ रही जी। आवाज आ रही, आ रही सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे सर ने कल फंडामेंटल एनालिसिस की बात की थी, साथ ऊंचा ऊंचे, आप आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलें, ऊंचा। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर ने कल फंडामेंटल एनालिसिस की बात की थी, तो उसमें जो बिटकॉइन का वो है फाउंडर है सतोशी नाकामोटो, उसका तो आज तक पता ही नहीं चल सका वो कौन है, तो कैसे हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? छोड़ दें यार, इसको माफ कर दें, उसको पैसे कमाने पे फोकस करें। उसका पता चल जाएगा तो क्या, उसका कुछ जेब काटनी है हमने? और वो को फाउंडर है बिटकॉइन का, ऑनर कोई नहीं है, ही इज जस्ट अ को फाउंडर, उसने और टेक्नोलॉजी यार कुछ डेवलप भी की। हो, मतलब आपने जहाज पे सफर करना है तो आप क्या उसके इन्वेंटर को ढूंढते फिरोगे? आर्यन पूछ रहे हैं जी, मुझे अनम्यूट कर दें। आर्यन मुझे आप नजर तो आ जाएं जी। आर्यन आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी, बोलें आप। आर्यन जी, जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही मेरी?
जी बिल्कुल आ रही जी, जबरदस्त आ रही जी। जी माशाल्लाह अशरफ साहब, सबसे पहले सर सलाम अलैकुम और प्रिंस थैंक यू सो मच। मैं सर दो आपके जो लेक्चर्स हैं टू डेज के रिकॉर्डेड लेने के बाद आज पहली दफ़ा ऑनलाइन आया हूँ। संडे था, आज फैमिली के डे था, तो मैं इसलिए आज पार्टिसिपेट कर सका हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं लाइव अशरफ साहब से बात करूँ। थैंक यू सो मच, खुशी है जी। 7 साल पहले आपका एक वो हजरत अली का आपने कोट सुनाया था फेसबुक पे कि बिजनेस में 90% अल्लाह ने रिज़्क रखा है। तो माशाल्लाह आई एम ओनर ऑफ 5 companies एट दिस मोमेंट। माशाल्लाह लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुझे थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए होगा क्योंकि 3 दिन के रिकॉर्डेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे हैं और छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है। और आई एम श्योर प्रिंस यू आर गोइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। Let's come to the question, sir. जो क्वेश्चन मेरे हैं प्रिंस, आप डेफिनेटली अगले लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे जिसमें FATA और ICU से रिलेटेड है। मुझे आपकी पहले डे की रिकॉर्डिंग में आपने कुछ बोला था स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस, ये बात समझ नहीं आई। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग होनी चाहिए, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस नहीं होनी चाहिए, इसमें मुझे क्लियर कर दो। क्योंकि 2014 में मैं ये ट्रेडिंग को अल्लाह हाफिज कह चुका हूँ जब गोल्ड और डॉलर की जीत लगी थी। आगे आए दूसरा, जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं 3-3 आपने सामने रखे हुए हैं, मुझे ये स्पेक्स जानने हैं ये कौन से कंप्यूटर थे। तीसरा, ये जो आप कह रहे हैं कॉइन 1 और कॉइन 2 में करें आप ट्रेडिंग, व्हाट अबाउट कॉमोडिटीज, क्या इसमें भी साथ कर सकते हैं कॉइन 1 और 2 के साथ? अगला क्वेश्चन, या अगर आप इतना दे दे फिर बाद में पूछ लूं, ये छोटे छोटे से ही। अरे अरियान साहब, मैं आपसे देखें आपके आई रियली वेलकम क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चंस आंसर्स करने के में कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं आई वुड अप्रिशिएट इफ दे रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप में लिख दें, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आंसर कर देता हूं सब मेंबर्स। चलिए बड़ी मेहरबानी। व्हाट्सएप में जरा था, मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ना मेरे दोस्त हैं वो दूसरी लैंग्वेज वो उसमें टाइप कर रहे होते हैं, थोड़ा सा शुगल मेला लगा हुआ है, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी मिस हो जाती हैं। देखिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो शुगल मेला की नहीं है, इट्स फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। सर बिल्कुल शुगल मेला नहीं होगा सर, हम इस ग्रुप को अभी जरा हम सिर्फ नए नए है ना, तो वो इज्जत बख्शी जा रही है, ये बड़ी जल्दी सख्ती पे आ जाना है। जबरदस्त सॉरी बट किसी को तनकीद की इजाजत नहीं है ना किसी को हैरस करने की इजाजत है, सब यहाँ पे लर्न करने आ रहे हैं, तो प्लीज आप फिक्र बड़े दोस्ताना माहौल में सर, सर मेरे वो सारे भाई हैं, भाइयों के साथ कुछ बड़े भी भाई हैं कुछ छोटे भी भाई हैं, बंदा एक बात कर लेता कोई मसला नहीं। जब मैं सो के उठता हूँ तो वो 125 मैसेज मुझे पढ़ते हुए ना थोड़ा सा अवॉइड हो रहा होता हूँ मैं, बाकी आगे आप मुझे टैग कर दें। सॉरी सॉरी अशरफ साहब, आप टैग कर दें, मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा, क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूं। आज के टॉपिक के पास आते हैं, ये पेपर वॉलेट आपने क्या बताया कि की ऊपर लिख दो पेपर गुम हो जाएगा, तो ये नहीं समझ आया। दूसरा हार्डवेयर वॉलेट, अच्छा कर ले पेपर वॉलेट बता, ठीक है जी। पेपर वॉलेट यूजुअली कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन आपको वॉलेट ऑफर करती हैं, लेकिन इसके जो प्राइवेट कीज हैं वो आपको ऑनलाइन स्टोर नहीं होती, वो आपको पेपर पे लिखनी पड़ती हैं, फिजिकली उनको पे लिखना पड़ेगा। ठीक है वो मैं अपने मोबाइल में लिख सकता हूँ, मोबाइल में लिख सकते हैं या बुक में लिख सकते हैं, लेजर में लिख सकते हैं या किसी भी डायरी में लिख सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये अगर आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया, आपके बच्चे ने उस पेपर को फाड़ के उसका प्लेन एरोप्लेन बना लिया, तो फिर आपके वो कॉइन्स गए। हार्डवेयर वॉलेट में क्या की डालने की जरूरत होती है? जी बिल्कुल उसकी होती है, यहाँ तक कि हार्डवेयर जो वॉलेट है उसका सॉफ्टवेयर जो है आपके लैपटॉप भी सेव हो जाता है, उसकी बैकअप भी होती है, तो ट्रेजर इज वन ऑफ द फेमस वन, TREZOR, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड टू हैव हार्डवेयर, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हार्डवेयर में भी रखें और ऑनलाइन कुछ अच्छी वेबसाइट है उनमें भी रखें। मैंने लिंक टाइप कर दिया चैट बॉक्स में, coinpayments.net, इसको मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ। और आपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस क्या पूछा, मेरे पास ना 2 laptops हैं, एक बड़ा हाई स्पेसिफिकेशन वाला है, लेकिन ये जो लैपटॉप है ना मेरा ये 11 साल पुराना है, क्योंकि इस पर मैंने बड़ा पैसा अर्न किया है, ये मेरा लकी लैपटॉप है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन इसके इस लैपटॉप पे जितना मैंने खर्चे किए ना उसमें 10 brand new लैपटॉप आए थे। सो दिस इज माय लकी लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग, ये i3 core और 4GB इसकी रैम है। एंड सर द वन व्हिच यू शोड अस इन अ पिक्चर, द वन व्हिच यू शोड अस इन अ पिक्चर, यू मीन इन द प्रेजेंटेशन? यस इन द फर्स्ट वन। नो लैपटॉप डजंट कंसर्न, इफ यू वांट टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग i3 प्रोसेसर पे हो जाएगा। ओके और सर स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस का जरा बताइएगा। स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस जी यही है कि आप जो है मतलब जैसे मैंने बात की थी कि रिज़्क के हसूल के लिए हम लोग चूंकि एक इस्लामिक फेथ से बिलोंगिंग है, आई डोंट गो इन डेप्थ इनटू रिलीजन, आप जब बैठे ट्रेड करने
बावजूद होके बैठे हैं, दुआएं करें, यू नो दैट्स व्हाट कम्स इनटू स्पिरिचुअल सेक्शन. बट आई विल गिव यू मोर डिटेल्स इन द व्हाट्सएप चैट. लास्ट वन क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, ये जो गिव अवे आ रहे हैं ट्विटर पे कि आज हम इतने गिव अवे कॉइंस दे रहे हैं, ये फेक है रियल है? ना, मैं इनको फॉलो करता हूँ, ना मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि एक मैं सिर्फ एक कॉइन ट्रेड करता हूँ और उसकी जो मंथली परफॉर्मेंस है दुनिया के सालाना परफॉर्मिंग बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स को बीट कर देती है. सो आई डोंट गो फॉर देम. ओके, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू टू प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन इन आवर ग्रुप? इफ यू डोंट माइंड. हो जाएंगी आर्यन, ये सारी हम उसमें ग्रुप में शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं. लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं ऑफ हो जाऊंगा. लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं? जी प्लीज. ओके, एंड प्रिंस, इफ वी फाउंड अ वन, ओके, अगर कोई हमें नया कॉइन आता है, इंट्रोड्यूस होता है, मुझे पता चलता जी ये डैश कॉइन का जो डेवलपर है इसको, इसके पीछे वो है व्हाइट पेपर में, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस $2 million से कम है, चूंकि इट्स अ न्यू इन द मार्केट, शुड आई फॉलो दैट कॉइन और शुड आई जस्ट वेट फॉर दैट? ये हम इंशाल्लाह आईसीओ के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, व्हिच विल बी ऑन डे 9 इंशाल्लाह. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी. माय प्लेजर. यू कैन कंटिन्यू. ठीक है, समीर आप क्वेश्चन पूछें. आमिर आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने कुछ लोगों को अनम्यूट के लिए बोला है, आप अनम्यूट कर लें, क्वेश्चन पूछें जी. समीर समीर नहीं पूछ रहे जी. अली जेबर आप सवाल पूछें मैम. अस्सलाम वालेकुम सर, चौधरी साहब. सर मेरा क्वेश्चन है कि इटली में हम कौन सा करेंसी यूज कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड एक करेंसी? सर आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है जी. इटली के अंदर जी कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इटली वेलकम्स यूजेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. यहां तक है आई बिलीव वहां पे कहीं कहीं जगह पे मशीन्स भी है बिटकॉइन की. सो नो रिस्ट्रिक्शंस जी सर, बट फिर भी आप रिसर्च कर लें. बट एज पर माय इंफॉर्मेशन मेरे फ्रेंड्स हैं, we exchange cryptocurrencies without any issues. Okay, thank you very much. Aasim, आप question पूछें. Hello, Assalamu alaikum. Sir, मेरे सवाल बहुत ठीक हैं. Aasim, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा. Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. Hello. अच्छा सर, मेरे सवाल बहुत ही basic level के हैं, तो थोड़ा सा kindly ignore कीजिएगा अगर इतना वो sense ना बनाए. एक तो मेरा question ये है कि ये मैंने बाइनेंस पे अगर ये अकाउंट बनाया है तो इसमें मेरा हर कॉइन का अलग वॉलेट एड्रेस होता है मेरे ख्याल से. इथेरियम का अलग होगा, बिटकॉइन का अलग होगा, जैसा आपने बताया. बिल्कुल. तो मैंने जो है ये अपने मुझे जो कॉइन्स इसी पे छोड़ देने चाहिए इस एक्सचेंज पे, कि ये सेफर वे ये है कि मैं अपने वो हार्डवेयर वॉलेट पे नैनो लेजर वगैरह पे उस पे सेव करूं? और दूसरा आपने एक दूसरा क्विक क्वेश्चन ये है कि अभी आपने ये बताया है कि ये स्टोरिंग आपने एक वेबसाइट का लिंक दिया है coinspayment.net अपने वॉलेट को स्टोर करने के लिए, मुझे समझ नहीं आया ये क्या है. ओके जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू. आपके बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जी. देखें बेस्ट और बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप एक्सटर्नल वॉलेट के अंदर अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करें, क्योंकि इन केस खुदा ना खास्ता ड्यू टू रेगुलेटरी रीजंस या गवर्नमेंट के कोई इशू, पॉलिटिकल कोई फैसले इस तरह के आ जाएं, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी मे बी अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कैन गेट शट डाउन, ठीक है ना. तो उसमें फिर अगर शट डाउन होते हैं तो आपके जो कॉइन्स हैं उसी में रहते हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में फेस नहीं करनी पड़ेगी. ऑलराइट, लेकिन कहीं देखें जी, जैसे मैं बताया कि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर भी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए तो बैंक्स भी क्लोज कर आपके अकाउंट सील कर सकते हैं. बट इट्स अ रिस्क दैट यू हैव टू टेक, यू हैव टू ट्रस्ट द बैंक्स, यू हैव टू ट्रस्ट द एक्सचेंज एट सेम लेवल. लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि क्रिप्टो वॉलेट्स में सेव किया जाए, एक्सटर्नल वॉलेट्स में. मैं पर्सनली अपनी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज में ही रखता हूँ, लेकिन कुछ पोर्शन जो है एक्सटर्नल वॉलेट में भी रखता हूँ. उसकी वजह यह है कि जी, इन केस समथिंग हैपेंस, मेरे पास कम से कम बैकअप मनी तो है. इट्स मनी, राइट? क्रिप्टो करेंसी आल्सो मनी. तो कुछ पैसे सेंट्रल में भी रहते हैं और कुछ एक्सटर्नल वॉलेट में भी. लेकिन अगर वो आप कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अगर उसमें रखूं तो तब मुझे जो है वो हार्डवेयर वॉलेट में रखने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफाई रखे ना. जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हैं. आई हैव बीन सिंस द बिगिनिंग व्हेन आई एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज
मैंने इन्हीं इसी वेबसाइट पे ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी स्टोर की है और मुझे आज तक कभी कोई इशू नहीं हुआ इनसे। तो हम इंडिविजुअली स्टोर करते हैं, यानी कि बिटकॉइन को स्टोर करना है, इथेरियम को क्लोज करना है, तो ये हर एक का अलग अलग वॉलेट हम इस वेबसाइट पे जाके स्टोर करेंगे और ये फ्री ऑफ चार्ज। बिल्कुल। और coinpayments.net के अंदर जो है डिफरेंट काफी सारे वॉलेट्स अवेलेबल हैं। अगर मेरा 5-10 हजार का वॉल्यूम है, $5-10 हजार का वॉल्यूम है, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज हो या सेंट्रलाइज हो, दोनों एक्सचेंजेस सेफ हैं आप कह रहे हैं? सेफ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेप्यूटेड होने चाहिए। मैंने एक एक्सचेंजेस के नाम शेयर किए हैं। अच्छा, अब जब कोई न्यू एक्सचेंज लॉन्च होती है ना, मैं उसको नहीं इतना ट्रस्ट करता, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी प्रूवन एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस, बिट्रेक्स, क्रैकन, ये बहुत फेमस है, और मैं काफी लोगों को जानता हूँ कुवैत के अंदर जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजेक्शन की इनके साथ एंड दे हैड नो इशू एट ऑल। तो इट्स फाइन। सो stay with the old exchanges, reputed exchanges, new exchange, I wouldn't give it a shot. Thank you, sir. Thank you. Okay, जी, मैं जरा question लेता हूँ अभी। आमिर, आपको मैं unmute कर रहा हूँ, kindly सवाल पूछें। जिन्होंने सवाल पूछ लिया है वो अपने आप को जरा lower your hand please। सोहेब ने सवाल पूछ लिया, फैसल ने पूछ लिया, जी। सर मेरा रहता है अभी सोहेब का। ओके सोहेब, आप पूछ रहे सवाल। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ बताया कि वहाँ पे कौन सी करेंसी एक्सचेंजेस वगैरह वगैरह चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपेंडली यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी एक भाई ने पूछा था क्वेश्चन कि जैसे इटली में, मैं जैसे अभी नॉर्वे में रह रहा हूँ, कौन सा कॉइन है या कौन सी एक्सचेंज है जो यहाँ पे प्रेफर्ड है। मुझे किसी ने बताया था कि मिराई एक्सचेंज है वो यहाँ पे प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू बाइनेंस। मुझे थोड़ा सा उसमें वो नहीं बात क्लियर हुई, तो मैंने कहा चले मैं ये कोर्स लेता हूँ तो उसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करके तो अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लूंगा। तो इसमें आप थोड़ा सा मिराई एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बता दीजिएगा कि वो ठीक है, नहीं सही, या बाइनेंस को ही प्रेफर किया जाए यहाँ पे भी। देखिए मैं आपके लिए लिंक लिख देता हूँ जो यूरोप के अंदर प्रेफर्ड है, लेकिन प्रेफरेंस कुछ और होता है। नॉट अलाउड एंड बैंड एंड प्रोहिबिट इज डिफरेंट थिंग। मैं तो प्रेफर बाइनेंस को ही करूंगा क्योंकि ग्लोबली इस वक्त यूज हो रहा है, लेकिन इफ यू आर इन यूरोप एंड यू वांट टू स्टे विद समथिंग यूरोपियन, स्टिक विद CEX.io, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज.io, इट्स वन ऑफ द डिसेंट वंस। अनदर वन इज Poloniex.com. All right. So इनकी applications भी available हैं या websites ही हैं बस? No, it's only websites. CEX की है application है। जी ठीक है, जज़ाकअल्लाह, thank you so much. जी thank you very much. उस्मान हैं जी, उस्मान साहब, उस्मान जी kindly सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मोहसिन साहब मेरा सवाल ये है कि आपने भी बताया कि बाइनेंस का अगर हम कनाडा और यूएस में हों तो binance.us करें, लेकिन जब मैं बाइनेंस कनाडा लिखता हूं तो वो binance.com आता है। अगर इन केस में .us और .com में से कोई किसी में एक कर दूं तो मैं अगर पाकिस्तान आके ट्रेडिंग करूं, अगर पाकिस्तान विजिट करूं तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई इशू नहीं है। आई थिंक मे बी कैनेडियन रेगुलेशन आर इजी एंड फ्लेक्सिबल। अमेरिकन जो हैं फैटका कंप्लायंस के सिर्फ अपने सिटीजंस को छोड़ते बिल्कुल नहीं है, दे वांट टू टैक्स देम नो मैटर व्हाट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब पाकिस्तान या रीलोकेट करते हैं कहीं, आपको अपना KYC अपडेट करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म करने का पड़ेगा बाइनेंस को कि मैं अब कनाडा छोड़ के XYZ कंपनी में, कंट्री में जा रहा हूँ, तो ये उनके डॉक्यूमेंट्स है, कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँ। या अगर आपके पास एक्टिव कैनेडियन बैंक रहता है, यू कैन डू योर ट्रांजेक्शन थ्रू कैनेडियन बैंक, इट्स नॉट एन इशू। हाँ जी, नहीं एक्टिव कैनेडियन बैंक ही रहेगा, लेकिन ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ तो मैं .us पे ओपन करूँगा या नहीं? आई थिंक आप .com पे ही करेंगे। मैं .com, ठीक। देखिए अगर आप कनाडा का IP एड्रेस आता है ना, अगर आपके रेगुलेशन का इशू है, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर देगा आपको लिंक US की तरफ। So, inshallah, there's not going to be an issue. You can open. जी, मैंने अभी वैसे उस पे गूगल पे सर्च किया ना, तो Binance Canada, तो वो .com ही पहला आ रहा है, वो .us नहीं। कोई बात नहीं, तो it's a good thing. और सेकंड देयर इज अनदर क्वेश्चन। सो जिस तरह आपने वन कॉइन के बारे में बताया, तो ये हबीबी कॉइन भी तो था एक मिडिल ईस्ट में, दुबई में, लेकिन वो नहीं, मैं हबीबी कॉइन से कोई वाकिफ नहीं हूं। हबीबी से मुराद है मेरा महबूब, तो मैं हबीबी से वाकिफ हूं लेकिन कॉइन से नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच उस्मान। समीर, आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा शायद, और आमिर जी अस्सलाम वालेकुम, सवाल नहीं पूछना तो हाथ नीचे कर लेना। जी सर, आमिर जी, समीर सवाल पूछिए प्लीज।
जी सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अभी आपने टेक्निकल जब आप समझा रहे थे थोड़ा ब्लॉकचेन, तो आपने कहा कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, मतलब जो भी सिस्टम होता है. तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या पर्पस है, मतलब इससे क्या अचीव करना चाह रहे हो बेसिकली. सर सेकंड क्वेश्चन मेरा एक और वो यही है कि बाइनेंस, जिस तरह मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बाइनेंस पर काम कर रहे हैं, तो बाइनेंस के एप्लीकेशन के थ्रू सर उन्होंने इतना वॉलेट बनाया ना कुछ और बनाया, बाइनेंस पे गए पी टू पी से डॉलर खरीदे और वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कैसे, वो वॉलेट वाली चीज कैसे हैंडल हो रही है बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर. ये दो क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम जी. मैथमेटिकल प्रॉब्लम से मुराद है जी वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि मल्टीपल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड या पर मिनट कंडक्ट हो रही हैं, उनकी वैलिडिटी करना, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं. ठीक है, दैट्स व्हाट इट्स व्हाट्स दैट्स व्हाट्स मेंट बाय सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. सेकंड, आपके जो फ्रेंड्स बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं, बाइनेंस के अंदर ऑलरेडी जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन वॉलेट्स हैं बाइनेंस के, तो दे आर यूजिंग वॉलेट्स, बट दीज आर सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स एंड देयर इज नो इशू विद दैट. जी थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आमिर बिल्कुल आ रही है. अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है. आपने अभी हमें मल्टीपल एक्सचेंजेस के बारे में बताया जो कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हैं, तो क्या हमें किसी एक पे ही अकाउंट ओपन करना चाहिए या मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अकाउंट ओपन करके ट्रेड करनी चाहिए, इस पे आपका क्या रिकमेंडेशन है? और दूसरे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली एक न्यूज सुनी है कि टर्की में एक थॉडिक्स आई थिंक एक्सचेंज थी, जो कि उसका ऑनर मतलब एक फ्रॉड में फ्रॉड करके और कुछ बिलियंस ऑफ द अमाउंट लेके वो किसी दूसरे कंट्री में फ्रॉड हो गया, तो क्या बाकी जो आपने एक्सचेंजेस रिकमेंड किए इसमें इस तरह का कुछ चांसेस हैं फ्रॉड के, या इस तरह ये एक्सचेंजेस बैन हो जाएं या बंद हो जाएं? थैंक यू. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था जी एक्सचेंजेस के रिलेटेड, आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर सकते हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया. हमें क्या रिकमेंडेड है कि हमें मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अपना अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या किसी एक ही अकाउंट? ठीक है, देखें जी, अगर आपके फंड ज्यादा है, आपका पास अमाउंट काफी बड़ा है, बड़े से मुराद 20-30-40,000 डॉलर आपके पास है, तो इट्स ओके टू हैव अकाउंट्स ऑन मल्टीपल एक्सचेंजेस, टू एक्सचेंज, दो एक्सचेंज टॉप टू कर लेना. ठीक है, okay, या okay. आप एक एक्सचेंज पे रहते हुए अपने कॉइन्स को एक्सटर्नल वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं. ओके ओके सर, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, इसलिए मैं मेंशन कर रहा था कि आप रेगुलेटेड और एक अच्छी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ, ऑलरेडी जो प्रूवन क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके साथ ट्रेड करें, न्यू को मत करें. देखिए जी, ये फ्रॉड्स जो हैं ये होते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे बैंक्स जो हैं, सिटी बैंक हो गए, एचएसबीसी बैंक्स, ये लोग भी पकड़े जाते हैं ऑडिट के अंदर इस तरह की हरकतें करते हुए, सो दिस इज अ रिस्क वन हैज टू टेक. बट आप बाइनेंस और पोलोनिक्स और सीएक्स, हम इनकी लिस्ट इंशाल्लाह बाद में शेयर करेंगे एक्सचेंजेस की, आप उनको फॉलो करें, उनमें इश्यूज नहीं है. सो व्हाई टेस्ट ड्राइव अ न्यू वन, कोई इट विल नॉट मेक अ स्पेशल डिफरेंस टू हैव डिफरेंट एक्सचेंजेस, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा. थैंक यू जी. थैंक यू फरहाद अली खान. फरहाद क्वेश्चन पूछें प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये तो आपने एक्सप्लेन किया, समझ में भी आया, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब इज देयर सम स्पेशल सिचुएशंस सर्कमस्टेंसेस वेयर वी कैन यूज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, बस सिर्फ यही क्वेश्चन था कि नहीं मतलब या एक ही यूज कर सकते? नहीं नहीं, कोई सिचुएशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. ओनली व्हाट मैटर्स हियर इज योर ड्यू डिलिजेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज और करेंसी, दैट्स इट. ओके थैंक यू सर. Thank you very much. और अली अलमदार आप kindly सवाल पूछें. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक्सटर्नल वॉलेट है हमारा, वो हमारे बाइनेंस अकाउंट से लिंक हो सकता है और उससे कॉइन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, और सेकंड के उससे हम कैश आउट कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नल वॉलेट से, या हम डेबिट कैसे कर सकते हैं कॉइन्स खरीदने के लिए, kindly इसको एक्सप्लेन कर दें. ठीक है जी, आप एक्सटर्नल वॉलेट पे विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वॉलेट यूएसबी ऐप लगाते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर भी लॉन्च होता है जिसके अंदर से आपके यू कैन डू योर क्रिप्टो करेंसीज एंड यू कैन ट्रांसफर द कॉइंस. तो आप अगर विड्रॉ करते हैं वो क्रिप्टो करेंसीज, वो आपके वॉलेट में स्टोर हो जाती हैं. तो अगर आपने इनको सेंड करना है, आप एक्सचेंज पे इनको सेंड कर सकते हैं, और जैसे ही वो क्रेडिट होते हैं फॉरन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्रैक्शंस, यू कैन इवन विड्रॉ थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ईदर इट्स बैंक डेबिट कार्ड और थ्रू पी टू पी transactions which is peer to peer. Okay sir, हम local banks में भी हम पैसे अपने transfer कर सकते हैं wallet से. देखिए इस वक्त जो मैंने पाकिस्तान में note किया है, मैंने काफी material share किया है, शरफ साहब ने भी किया था in the beginning on Facebook page, कि पाकिस्तान में इसकी jurisdiction या laws क्या हैं.
लेकिन जो लोग इंटरनेशनल बैंक्स के पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, फर्स्ट अबू धाबी बैंक या एमिरेट्स बैंक, इस तरह के बैंक्स को यूज कर रहे पाकिस्तान में बेस्ड, उनको कोई इश्यूज तो नहीं होते। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। अभिषेक गिल, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे छोटे छोटे दो क्वेश्चन है सर, जैसे कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है सर, तो सबसे पहले कैसे सर मैं मतलब कि अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि वॉलेट में से करने पड़ेंगे या बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर बैंक से ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो सर उसको पीकेआर से यूएस डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब? ओके थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट सेशन आ रहा है ना बाइनेंस के अंदर, जिधर मैं डिस्कस करूंगा कि बाइंग एंड सेलिंग क्रेडिट डेबिट कैसे होता है। इधर आई विल शेयर अ वीडियो और आई विल डू इट लाइव, सो लेट अस लीव इट फॉर दैट, क्योंकि काफी लोग इस वक्त बाइनेंस से फैमिलियर नहीं है ना वाकिफ है कि किस तरह डिपॉजिट और विड्रॉल होते। तो आई विल ये आपका क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया गया, जस्ट सेव दिस क्वेश्चन फॉर द राइट सेशन। कल व्हाट्सएप में मैंने बाय द वे कल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने जो हमारे कोर्स के फेजेस हैं और कंटेंट से किस दिन पे क्या डिस्कशन होगी टॉपिक की, तो वो आप प्लीज उस दिन के अंदर ये वाले क्वेश्चंस पूछें। जी ये कमल का क्वेश्चन है जी, इन विच कॉइन यू आर ट्रेडिंग? जी आपकी जाती आपकी जात की आदत पे आ गए जी लोग, जरा बताएं। देखिए जी ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बट आई डोंट माइंड एट ऑल। मैं पर्सनली जो है डीजी बाइट्स पे ट्रेड कर रहा हूं। डीजीबी उसकी रीजन ये है कि डीजीबी की भी एक फिक्स क्वांटिटी है, $21 billion है, अफोर्डेबल है, $1 के वास्ते प्राइस है, और कुछ कुछ अर्सा पहले कुछ सेंट्स का था। तो मैं जी डीजीबी सिर्फ ये नहीं कि ट्रेड करता हूँ, यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह का हिस्सा और एक्स्ट्रा सोर्सेज इनकम का जो हिस्सा है वो डेडिकेट किया सिर्फ डीजीबी परचेज होते हैं। तो मैंने पर्सनल क्वेश्चन बता दिया आपको। जबरदस्त। अच्छा दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। रेस्ट अश्योर्ड के जब 10 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे तो किसी का कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा, सबके क्वेश्चन होंगे। मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा बोला है कि सबसे निकम्मा मैं हूं और मैंने भी यही सीखना है और ट्रेडिंग करनी है, और मैं अपना जो ट्रेडिंग का अकाउंट होगा सबके साथ शेयर भी किया करूँगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, और वो हम मिलके अपने उस्ताद मोहतरम से फेंटी भी खाया करेंगे और डांट भी खाया करेंगे, सारा करेंगे। तो फैसल का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। फैसल अगर आप फैसल मुझे एक सेकंड में फैसल को अनम्यूट कर लूं। लास्ट क्वेश्चन है जी, ये जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं जी, स्पॉट क्या होता है? स्पॉट और फ्यूचर ये दो मार्केट्स हैं, प्रिंस आप बता दें जल्दी में बता दें स्पॉट और फ्यूचर क्या चीज है। देखिए स्पॉट के अंदर जो है आप फिजिकली ऑन करते हैं एसेट को, फ्यूचर्स के अंदर इट्स नथिंग मोर देन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पेपर पे होता है, इसकी कोई फिजिकल हैसियत नहीं होती। इट्स प्रेफर्ड टू अवॉइड फ्यूचर्स। आप स्पॉट पे प्लीज लें कोर्स, स्पॉट बेस्ड है। हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बट बिफोर वी एंड द सेशन मैं कुछ बाइनेंस के बारे में सबसे शेयर करना चाहूंगा अशोक साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने पहले सेशन में भी पूछा था कि अभी अगर हम वॉल्यूम बाय कर रहे हैं यूएसडीटी में, फॉर एग्जांपल मैं बाइनेंस पे कर रहा हूँ जो कि एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो मुझे जो एक्सचेंज रेट वहाँ पे अक्सर जो मुझे मिलता है एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज्ड वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे हम अपनी बाइंग एज पर एक्सचेंज रेट मैक्सिमाइज वॉल्यूम पे कर सकें? ओके थैंक यू सो मच फैसल। देखिए मैं इसमें ना आपका अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, इसमें ना आपको खुद हंट करना पड़ेगा कि रेट्स जो है कहाँ अच्छे और कहाँ सही नहीं मिल रहे। हमारे पंजाबी में एक कहावत है जो हमारे वालिद साहब अक्सर सुनाया करते थे, वो ये है कि जी जब अल्लाह ताला सोना देना तो उसकी कढ़ाई के पैसों से डरना नहीं चाहिए। तो अगर मेरे जो रिटर्न 80%, 200%, 300% में अर्न कर रहा हूँ, तो अगर मेरी 3-5% के कट लग रहा है आई डोंट माइंड एट ऑल। ठीक है, तो आप लोग भी जो है, इसलिए जो ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आपको चीज बताना भूल गया, इसके अंदर फंड्स बेशक कम चाहिए और उसके सेटअप बिजनेस, ये बिजनेस है इसका सेटअप कॉस्ट बिल्कुल लो है, लेकिन इसमें ना लायन हार्ट और शेयर दिल भी होना जरूरी है। तो जो छोटे छोटे 2-3% का डिफरेंस है रियली इट शुडंट मैटर, क्योंकि आपने ड्रीम बिग करना है, आप भी कोर्स ले रहे हैं कुछ हजार रुपए कमाने के लिए, लाखों कमाने के लिए। सो इट डजंट मैटर कि अगर आपसे 3-5% कट गया। ऑलराइट, ये पैसे कमाने पे फोकस करें, टैक्स पे और जकात पे और इन चीजों पे, तो मैं समझता बड़ी खुशी से देने चाहिए पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, बाय द वे इट्स नाइस,
बिल्कुल, और इसमें आई थिंक ज्यादा टैक्स देने से और ज्यादा साहिब निसाब बनने पे एक जो आपके दिल को सुकून आता है ना, वो मैयत नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं बड़े अरसे से, मैं यहाँ ये थोड़ी सी इररेलेवेंट बात करने लगा, बड़े अरसे से मैं दुआ हमेशा ये मांगता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे डाली थी कि ऐ मेरे रब, मुझे 10 गुना ज्यादा ज़कात देने की तौफीक अता फरमा। वो किसी ने उस पर कॉमेंट भी किया था कि बड़ा टेक्निकल आपने दुआ मांगी है। मतलब अल्टीमेटली जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपने सदका भी देना है, ज़कात भी देनी है, टैक्स भी देना है और लोगों की हेल्प भी करनी है। पैसे कमाने पे फोकस करें सर, पैसे ज़्यादा होंगे तो हर चीज़ लगेगी और यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आज का हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। रेस्ट शोर के सबके क्वेश्चन आंसर होंगे और जब लास्ट डे होगा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अनआंसर्ड होगा। अगर कोई लेट से हो भी गए तो हम एक दिन एक्स्ट्रा सेशन कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कुछ स्पेशल सेशन भी दिन के वक्त किया जा सकता है। और इस वक्त जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं इजाज़त चाहूँगा। प्रिंस साहब, आप कोई आखिरी कलमात को इनको बताना चाहते हो तो आप जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अशरफ साहब। दो चीज़ें जी, जस्ट कीप इन माइंड, बाइनेंस को प्रेफरेंस मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि जैसे उनके पास एक स्पेशल और डेडिकेटेड टीम है जो मॉनिटर करती है कि इस वक्त मार्केट के अंदर भी अच्छे कॉइन्स और फेक कॉइन्स कौन से हैं, वो कॉइन्स इनकी कोई वैल्यू नहीं है उसको मॉनिटर करते हैं और ऐसे कॉइन्स को लिस्ट करने से अपने एक्सचेंज में वो परहेज करते हैं। दैट्स व्हाई आई गिव प्रायोरिटी टू बाइनेंस, इनकी एक स्पेशल टीम है और वो उनकी मैक्सिमम कोशिश थी कि एक बुरा कॉइन ना उनके साथ लिस्ट हो। और लास्ट वर्ड्स जी ये हैं जी, मेरा एक प्रिंसिपल है, मेक योर फ्रेंड्स रिच, मेक योर एनिमीज रिच, वेट टू फाइंड आउट विच वंस विच। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव गॉट टू से। मेरी तरफ से जी गुड नाइट फ्रॉम कुवैत एंड अल्लाह हाफिज। ये दोबारा बताना, ये जो रिच विच वाला जो आपने बोला ना, ये दोबारा बोलना प्लीज। मेक योर फ्रेंड्स रिच, मेक योर एनिमीज रिच, वेट टू फाइंड आउट विच वंस विच। ओए होए होए होए, एक मूवी है उसका नाम है सेल्स पे, ग्लेन रॉस सेल्स पे मूवी है, ग्लेन गैरी ग्लेन रॉस। उसमें जो बॉस है ये बेसिकली स्टॉक्स वगैरह का काम करते हैं और उनको कस्टमर चाहिए होते हैं, तो क्योंकि ये आपने बड़ी जबरदस्त राइमिंग की है तो उसमें वो अपने सेल्स के लोगों को कहता है कि नेवर पिच द रिच बिच, नेवर पिच द रिच बिच। ठीक कि वो खातून जो ऑलरेडी बहुत अमीर है ना, उसको बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बड़ा जबरदस्त फिक्र है जी, वो कभी मूवी देखिएगा, मूवी वैसे ही बड़ी कमाल की मूवी है, ग्लेन गैरी ग्लेन रॉस। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच और शब खैर, और रमजान के महीने में अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें, पूरे मुल्क के लिए, उम्मा के लिए और पूरी कौम के लिए, दुनिया के लिए अमन की दुआ करें और गुरबत के खात्मे की दुआ करें और कोरोना वायरस से बच के रहें, खुद भी बचें और सबको बचाएं जी। अल्लाह हाफिज और शब बखैर। अल्लाह हाफिज, सलाम।